हेलो यूट्यूब, दिस इज lifenextdoor.com। पपाया सीड्स बेनिफिट्स। वैसे तो इस दुनिया में ढेर सारे फल हैं और उन्हें खाने से हमें बहुत फायदे मिलते हैं, पर पपीता तो हम अच्छे से खाई लेते हैं और उसके बीज फेंक देते हैं। पर आज के बाद ना आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इन पपीता के अंदर जो बीज होते हैं उनसे हमें बहुत फायदा मिलता है। ये जो नॉन एडिबल सीड्स हैं इनसे हमें हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। पैक्ड विथ न्यूट्रिशन। इन पपाया सीड्स में बहुत न्यूट्रिशन होता है। इनमें प्रोटीन्स और फैट्स जैसे न्यूट्रिशंस भी होते हैं। इनमें माइक्रो न्यूट्रिशंस जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस भी पाए जाते हैं। इम्प्रूव्स डाइजेशन एंड हेल्थ। इसमें डाइजेशन एंजाइम्स होते हैं जैसे कि पेपेन। इसे लेने से डाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। डिटॉक्सिफाइज एंड हील्स लिवर। डैमेज लिवर को भी पपाया सीड हील करने में बहुत हेल्प करती है। क्रश पपाया सीड्स के साथ एक चम्मच नींबू का रस मिलाकर पीने से भी लिवर सिरोसिस क्योर होता है। अवर्ट्स रेनल डिजीज। किडनी डिजीजेस के लिए भी बहुत इफेक्टिव है ये। फैटल किडनी डिजीजेस को तो क्योर करने में हेल्प करता ही है, पर साथ ही किडनी फेलियर से भी बचाता है। कीप्स कैंसर एट बे। कैंसर ट्यूमर्स से फाइट करने में पपाया सीड्स हेल्प करते हैं। कैंसर सेल्स और ट्यूमर्स का फॉर्मेशन कम करता है। इसके कंपोनेंट्स ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, लंग कैंसर, कॉलोन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर भी कम करते हैं। हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स। इनमें फ्लेवोनॉइड कंपाउंड्स और फेलोनिक एसिड कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेजेस और उनके स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज से प्रोटेक्ट करते हैं। गुड एंटीबैक्टीरियल एजेंट। ये फूड पॉइजनिंग होने से तो बचाता ही है और बुरे बैक्टीरियास को भी खत्म करता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। इसे खाने से रेडनेस, स्वेलिंग, जॉइंट पेन से भी छुटकारा मिलता है। क्योर्स वायरल इन्फेक्शंस। बैक्टीरिया ही नहीं बल्कि वायरसेस से भी हमें पपाया सीड्स प्रोटेक्ट करते हैं। कोस्टल रिका और सेंट्रल अमेरिका में डेंगू से क्योर होने के लिए लोग स्पेशली पपाया सीड्स खाते हैं। किल्स इंटेस्टिनल पैरासाइटिक वॉर्म्स। ये इंटेस्टिनल वॉर्म्स को भी मार डालते हैं और ये सारे अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स को भी खत्म करता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा की जगह कुछ ज्यादा अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।